कुछ पैसों के लिए ठुकरा कर तो नहीं चले गए थे ना तुम? बस कीजिए भाभी, मुझे चीज बनाकर पेश करना बंद कीजिए। ये लड़के मेरे शरीर को अपनी गंदी आंखों से नापकर कुछ पैसों के लिए मुझे ठुकरा कर चले जाते हैं। आप लोग अगर हाथ छोड़ते हो, सहर दे दीजिए मुझे, पर मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। दर्जनों बार मैं ये सब कुछ झेल चुकी हूँ, अब और नहीं चला जाता मुझसे, और नहीं चला जाता। कुछ पैसों के लिए ठुकरा कर तो नहीं चले गए थे ना तुम्हें? बस कीजिए भाभी, मुझे चीज बनाकर पेश करना बंद कीजिए। ये लड़के मेरे शरीर को अपनी गंदी आंखों से नापकर कुछ पैसों के लिए मुझे ठुकरा कर चले जाते हैं। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, जहर दे दीजिए मुझे, पर मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। दर्जनों बार मैं ये सब कुछ झेल चुकी हूँ, बस अब और नहीं झेला जाता मुझसे। मैंने बिल्कुल ठीक किया भाभी, अब है मेरे नहीं है, वो तो शीतल के हैं, और इन्हें होना भी चाहिए। इतनी सारी कुर्बानियां जो दी शीतल ने उनके लिए, और मैं बंदूक की नोक पर भी आती गई थी उनसे। माना शीतल का दिल बहुत बड़ा है, पर मेरा दिल भी कोई छोटा नहीं है। इतनी खुदगर्ज नहीं हूं मैं कि अपना प्यार पाने के लिए अभय की जिंदगी को दो राहों पर लाकर छोड़ दूं। और मुझे तो अब यहीं रहने दीजिए भाभी, ताकि गांव वालों के सामने मैं एक मिसाल बनकर जी सकूं, ताकि फिर कोई शादी जबरदस्ती ना हो, फिर कोई दूल्हा बंदूक की नोक पर ना प्याया जाए। आज पहली बार मुझे पता चला कि मुझे इश्क हो गया। अमेजिंग, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इश्क ऐसा होता है। ये जमीन, ये आसमान, ये सारा जहां, सब इतना अच्छा लगने लगता है। कोई ना कोई ताकत तो जरूर होगी इश्क में, जो इंसान को इतना अच्छा बना देती है। मेरी मान ली, एक बार इश्क करके देखिए, बदल जाएंगे। माँ हो तो ऐसे, वरना शिवानी को तो हम भुला ही चुके थे। अच्छा किया भाई जी कि आपने समय पर इसे यहां बुला लिया गोद भराई की रस्म के लिए। क्यों भाई जी, वैसे अच्छा किया शिवानी कि तुम यहां आ गए, अब मैं छूटी। तुम्हें पता है शिवानी, राहुल के खाने से लेकर सोने तक का काम मुझे ही करना पड़ता था। उसका बिछौना बिछाना, चद्दर, तकिया सब मैं ही करती थी। और तो और, उसके जूते पॉलिश भी मैं करती थी। राहुल को तो मेरे बिना चलता ही नहीं, पर अब तुम आ गई हो ना, बस। अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, तुम अपना बोझ नहीं उठा सकती, अब राहुल का कैसे ध्यान रखोगी? कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन सहा, कुछ और दिन सही। ठीक है, सह लूंगी। वैसे राहुल, कौन सा महीना चल रहा है शिवानी का? अभी